हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा स्पेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्टफ्ड पाव। पाव जनरली हम पाव भाजी के फॉर्म में या मिसल पाव, वड़ा पाव इस तरह से खाते हैं, लेकिन आज मैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन शेयर कर रही हूँ। आई होप यू वुड लव इट। तो पाव, स्टफ पाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो कि है पाव, उसकी ज़रूरत होगी, और साथ ही कुछ अदर चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लीजिए। चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑरिगेनो हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चीज़, बटर, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैप्सिकम, पनीर के कुछ क्यूब्स आप ग्रेट भी कर सकते हैं उसको, कुछ ये शेजवान सॉस, टमाटो केचप, और साथ ही थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए होगा। बस ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टफ पाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जैसे वो हीटअप होता है उसके अंदर हम अनियंस ऐड कर देते हैं। अब हमें अनियंस को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा 30-40 सेकेंड्स के लिए हम इसे इसके अंदर कुक करेंगे, और इसके साथ ही हम अपनी जो कैप्सिकम है वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसी वेजिटेबल लेते हैं, जैसे आपने कैरेट लिया है या पीस लिया है, या तो आप उसको हाफ बॉईल कर लीजिए, या आप जैसे कैरेट ले रहे हैं तो उसको आप ग्रेट करके डाल दीजिए। बस इसको हम हल्का सा इस स्टीम के अंदर कुक कर लेंगे। मैंने इसको हार्डली 1-1.5 मिनट तक ही कुक किया है, और इसको लगातार स्टर करते रहेंगे। और अब इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं ये शेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ, और साथ ही ये टोमेटो केचप। टोमेटो केचप ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शनल है। वैसे अगर आपको मीठा नहीं अच्छा लगता तो आप अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, जो हमारा ऑरिगेनो है वो ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर प्लस सॉल्ट, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर ये पनीर के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स लिए थे, आप चाहें तो इसको ग्रेट कर लीजिए, या हाथ से भी मैश करके क्रम्बल करके भी आप इसको डाल सकते हैं। बस अब इसको हमने अच्छे से, इस जो भी हमने स्टफिंग बनाई है इसके अंदर, हम इसको मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम अपनी ये पाव ले लेते हैं, और इन पाव को अंदर हमें होल बनाना है, और आपको ध्यान रखना है कि होल आपका आप एक 75% तक आप इसको होल बनाइए, जो बेस है आप उसको इंटैक्ट रखिए, मतलब बेस आपने नहीं हटाना है। और ये जिस नाइफ से हमने होल बनाया, उसके बाद वो जो कटिंग वाला जो पोर्शन था उसको हम अंदर ही प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से सारी पाव के अंदर मैंने होल बना लिए, और स्पून की मदद से स्टफिंग को अच्छे से हम दबा दबा के इसके अंदर फिल कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा भी होल बना सकते हैं, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर फिल कर रही हूँ, और एक पनीर का क्यूब, और साथ ही एक चीज़ का क्यूब, ये दोनों हम इसके अंदर फिल करके, आप चाहे तो कुछ और भी, जैसे यहाँ पर आप ऑरिगेनो और ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, तो वो मैंने अवॉइड कर दिया है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर यहाँ ग्रीन चिली जो सॉस आती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी। बस अब मैंने इसको यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट करने को रख दिया था, उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रख देंगे, और देखिए इस तरह से हमारी ये स्टफ पाव बनकर तैयार हो जाती है। अब इसको एक दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हैं। मैंने पहले क्या किया, इसको हाफ अच्छे से कट कर दिया, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया पाव के पूरे लॉफ को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर एक होल बनाना है। आप पूरा कंप्लीट थ्रू एंड थ्रू होल बना दीजिए इसके अंदर से, और इसका जो बीच वाला पार्ट है
वो आप इसको फिंगर की मदद से आप उसको रिमूव कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, मैंने पहले बीच में कट लगाया, सर्कल बनाया नाइफ की मदद से और उस पार्ट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हमारे तैयार हो जाते हैं। अब जो हमने नीचे वाला बेस है उसके ऊपर हम ये जो हमारी स्टफिंग हमने प्रिपेयर की थी उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और साथ ही हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करके ऐड कर दीजिए, या थोड़ा सा मैं चीज़ के क्यूब्स भी रख दे रही हूँ क्योंकि वो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा और एकदम पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आएगा और जो खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। और इसके थ्रू आप बच्चों को काफ़ी सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं जो बच्चे जनरली नहीं खाते हैं, कैप्सिकम अवॉइड करते हैं, कैरेट अवॉइड करते हैं, तो आप उसको इस फॉर्म में बच्चों को खिला सकते हैं। और बस उसी तरह से हम यहाँ पर ये पनीर और चीज़ के क्यूब्स इसके अंदर फिल कर देते हैं अच्छे से। आप चाहें तो और भी स्टफिंग डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर अनियंस को चॉप करके वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। बटर अप्लाई कर दिया है और इसी तरह से जो मैंने ओवन में बेक किया था उसके ऊपर भी मैंने बटर अप्लाई किया था। तो बस इसको मैंने ग्रिल टोस्टर में लगा के इस तरह से हम इसको ग्रिल कर लेते हैं और हमारे स्टफ पाव बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।